1997 में शाहरुख की एक फिल्म आई थी जिसका नाम परदेस था। फिल्म जब रिलीज हुई तब गजब की हिट साबित रही। इसमें महिमा चौधरी ने काम किया था और फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। फिल्म की कहानी भारतीय संस्कृति पर बेस्ड थी और इस फिल्म का डायरेक्शन सुभाष घई ने किया था। ऐसे में सुभाष घई ने इस फिल्म से जुड़े एक किस्से को मीडिया इंटरव्यू में शेयर किया था और बताया था कि वो फिल्म में महिमा की जगह पर माधुरी दीक्षित को लेना चाहते थे और अपूर्व अग्निहोत्री की जगह पर सलमान खान को कास्ट करने का मन बनाया था, लेकिन बनते बनते बात बिगड़ गई और फिल्म की कास्ट बदल गई। मगर सलमान माधुरी को फिल्म में क्यों नहीं कास्ट किया गया, अब इस पर खुद फिल्म के डायरेक्टर ने खुलासा कर दिया है। जी हाँ, सुभाष घई ने मीडिया इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि फिल्म त्रिमूर्ति के फ्लॉप हो जाने के बाद मुझ पर बहुत प्रेशर था। मैं अपनी अगली फिल्म परदेस में शाहरुख खान के साथ माधुरी और सलमान खान को कास्ट करूं, लेकिन मेरे ऑफिस के लोगों का ये मानना था कि बड़ी स्टार कास्ट की वजह से फिल्म परदेस की कमाई अच्छी हो सकती है, जिसमें मैं फिल्म त्रिमूर्ति के फ्लॉप होने से हुए नुकसान की भरपाई कर सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि फिल्म परदेस की कहानी बड़ी स्टार कास्ट की चकाचौंध में दब जाए, इसलिए मैंने सलमान खान की जगह पर अपूर्व को कास्ट किया। और महिमा चौधरी का जब फर्स्ट लुक सामने आया तो लोगों ने ही उनकी तुलना माधुरी से करना शुरू कर दिया था। यानी कि फिल्म में सलमान, शाहरुख, माधुरी होते तो यकीनन तब फिल्म स्टारडम पर चलती, लेकिन कहानी को वो क्रेडिट नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार थी। इस वजह से फिल्म मेकर ने सोच समझ कर डिसीजन लिया और सिर्फ शाहरुख को फिल्म में साइन किया। बाकी दोनों लीड नए फेस थे जिन्होंने परदेस में डेब्यू किया था। बस फिर जैसा सुभाष घई ने सोचा वैसा उन्होंने पाया भी। उनकी फिल्म की कहानी को लोगों ने खूब पसंद किया और यही वजह रही कि फिल्म सुपर डुपर हिट रही और आज भी इस फिल्म को इसकी कहानी की वजह से लोग देखना पसंद करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म परदेस सुभाष घई की विदेशों में शूट होने वाली पहली फिल्म थी और इस फिल्म से महिमा चौधरी के अलावा अपूर्व अग्निहोत्री का भी डेब्यू हुआ था। परदेस में सुपर हिट गाने भी थे और इस वजह से फिल्म की रिलीज के बाद सुभाष घई ने नदीम और श्रवण को दो कारें गिफ्ट भी की थी। बता दें कि सुभाष घई ने मीडिया इंटरव्यू में ये बताया था कि शाहरुख खान के साथ फिल्म शिखर भी वो करने वाले थे, लेकिन इसी बीच में फिल्म त्रिमूर्ति के फ्लॉप होने की न्यूज हर तरफ आ गई, तब उन्होंने शिखर की जगह परदेस पर काम करना शुरू किया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।